अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने हमने। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को एज इट इज़ लिखते हैं और इसको 1 कह देते हैं। फिर हम लिखेंगे इट्स एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इट्स एसोसिएटेड क्वेश्चन इज, एसोसिएटेड क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी की जगह पर इक्वल लिख देते हैं। सॉरी ये नहीं आना। नाउ अब हम क्या करेंगे, मोड ख़त्म करेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस 8/12, एक दफ़ा इसे प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस 92 माइनस 92 डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। 2 1 2 2 4 2 6 12 46 आ गया। एक हमारे पास x की वैल्यू आई है 46। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स प्लस 8 एज इट इज़ रहने देते हैं, 12 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करवाते हैं और 10 इस तरफ ले आते हैं। माइनस 10x माइनस 80 इज इक्वल टू 12x माइनस 12, माइनस 10x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 80, माइनस 22x इज इक्वल टू 68, x इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाय माइनस 22। इसको कैंसिल आउट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 1 2 3 2 4 माइनस 34/11। ये जो दो नंबर्स आते हैं इनको बाउंड्री नंबर्स कहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाउंड्री नंबर्स। और दो बाउंड्री नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, एक बाउंड्री नंबर हमारे पास आया 46 और एक आया 11। सो एक्स इज इक्वल टू 46 तो 11 टू बाउंड्री नंबर्स। ये जो बाउंड्री नंबर्स हैं ये नंबर लाइन को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे दीज बाउंड्री नंबर्स डिवाइड नंबर लाइन इनटू डिफरेंट रीजन्स। देखिए अगर मैं नंबर लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक नंबर आया 46 और एक आया 34/11। और अगर 34 को 11 पे डिवाइड करते हैं, 34/11 ये हमारे पास आता है 3.09 तो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 34/11। लेकिन हमें पता है माइनस 34/11 किसके इक्वल है, 3.09 के मैं मेंशन कर देता हूँ। दूसरा नंबर है 46, वो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमेशा इन्फिनिटी आता है, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। कितने रीजन बन गए, 1 2 3, तो इस रीजन का नाम ए हो जाएगा, इस रीजन का नाम बी लिख लेते हैं और इसका नाम सी लिख लेते हैं। अब हमने बताना है ये रीजन्स टू हैं कि फॉल्स। अब देखें सबसे पहले हम रीजन ए की बात करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रीजन ए,
फॉर रीजन ए। अब रीजन ए में मुझे बताएं -34/11 है, मतलब -3.09। अब -3.09 से लेफ्ट वाली वैल्यू कोई भी आप ले सकते हैं, -4 आता है, -5 आता है, -6 आता है, -7 आता है। तो हम ऐसा करते हैं, इधर -4 आता है, फिर -5 आएगा, फिर -6, -4 ले लेते हैं या -5 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं -4 ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू -4। अब ये -4 का करना क्या है, इसको गिवन इक्वेशन इनक्वालिटी में पुट करना है, -4 इन 1 इनक्वालिटी 1 में पुट कर देंगे। हमेशा हर क्वेश्चन में रीजन ए में से नंबर लेके कोई भी उसे इनक्वालिटी में पुट करना है, फिर रीजन बी में से नंबर लेके इनक्वालिटी में पुट करना है, फिर रीजन सी में से नंबर लेके इनक्वालिटी में पुट करना है। तो हम पुट करते हैं, एक्स की जगह पे आ जाएगा -4 + 8/12 मॉड क्लोज इज लेस देन -4 - 1/10। अब हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास ये इनक्वालिटी ट्रू आती है कि फॉल आती है। अगर हम ये हमारे पास आ जाएगा 4/12 < -5/10। अब देखें इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 1 4 3 12 1/3 < -1/2। अब ये मोड है, प्लस वैल्यू का मोड हमेशा वही रहता है, तो 1/3 < -1/2। अब क्या देखें, 1/3 पॉजिटिव है, -1/2 नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर वो कह रहा है ग्रेटर है पॉजिटिव नंबर से, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये रीजन कौन सा आ गया, फॉल्स। अगर ये रीजन फॉल्स है तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस लगा लेते हैं समझने के लिए कि रीजन फॉल्स है। ये पेपर में फॉल्स क्रॉस लगाना लाजमी नहीं है, अगर लगा दें तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये है कि एट दी एंड जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तब हमारे लिए आसानी होगी। अब हम रीजन बी के लिए सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रीजन बी। अब रीजन बी देखें -3.09 से 46। अब -3 के बाद -2 आता है, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और 46 था। तो एक बात याद रखिएगा, जब किसी रीजन के दरमियान में कहीं 0 आ जाए तो आप 0 पुट कीजिएगा, उसकी आसानी ये होती है कि वेरिएबल 0 हो जाता है और हमें ज़्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ता। तो हम क्या लिखेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनक्वालिटी जो कि 1 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 0 + 8/12 < -0 - 1/10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/12, ये हमारे पास क्या आ गया 8/12 < -1/10। 8 को कैंसिल करें, 4 2 8 4 3 12, ये आ जाएगा 2/3 - 1/10। तो आप दोबारा देख लें, ये एक तरफ ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे आ गया नेगेटिव नंबर, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर नहीं होता। तो हम रीजन में क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रीजन है यहाँ पे हम लिख देंगे क्रॉस, ये हमारे पास फॉल्स है। अब हम देखते हैं रीजन सी। रीजन सी देखें 46 से लेकर इन्फिनिटी तक, 46 के बाद 47, 48, 50, 51, 52, 53 आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो हम ऐसा कौन सा नंबर पुट करें, हम ऐसा करते हैं 46, 47, 48, 50 पुट कर लेते हैं। तो फॉर रीजन सी, फॉर रीजन सी आपने अपनी मर्जी का कोई भी एक नंबर लेना है, और लेकिन वो नंबर आपने ऐसा लेना है कि आप इनक्वालिटी को देख लें कि आप जब इनक्वालिटी में पुट करें तो वो आंसर आपके लिए कैलकुलेशन करना आसान हो। तो मैं क्या करता हूँ, पुट करना है यहाँ पे, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू 50 in 1। 50 पुट करते हैं, 50 + 8/12 और हमारे पास आएगा
इज लेस देन 50 माइनस 1 डिवाइड बाय 10। देखिए मैंने ऐसा वैल्यू 50 चूज़ किया, माइनस में से 1 करें तो 49, 49 तो कैंसिल ही नहीं होता, हो गया ना टफ काम हमारे लिए। तो आप यहाँ पे कोई और नंबर भी पुट कर सकते हैं, ऐसा नंबर जिसके लिए कैलकुलेशन आसान हो, वो नंबर आप कोई भी चूज़ कर लें, कोई इशू नहीं होता। लेकिन इससे भी हल हो जाएगा इजीली। 5 और 18, 8, 13, 13 बाय 12 हमने सॉरी 50 सेलेक्ट किया है ना, 50 प्लस 8 ये हमारे पास आ जाएगा, गलती हो ही जा रही है, 58 इज़ लेस देन 50 माइनस 1, 49 डिवाइड बाय 10। अब इसको और सॉल्व करना है। अब देखें, अब ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास आ गया 58 बाय 12, मोड हमने ख़त्म कर दिया 49 बाय 10। अब हम करते ये, हम इसको कैंसिलेशन किया जा सकता है, 6 आ गया 2 4 8 2 3, ये हमारे पास आ गया 12, 3 1 3 4 12, तो ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 40 इज़ लेस देन 49, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। तो रीजन सी जो था वो हमारे पास आ जाएगा ट्रू, तो ये रीजन सी हमारे पास आ गया ट्रू। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। अब सॉल्यूशन सेट सॉल्यूशन सेट, अब सॉल्यूशन सेट के लिए आपने याद रखना है कि आपके पास रीजन, रीजन देखें, सी वाला रीजन टू है, ये 46 और इन्फिनिटी है, 46 और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहना है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहना है। अब बाउंड्री नंबर क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी, क्लोज बाउंड्री नंबर तब आएंगे जब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आए। लेकिन हम जो अगर क्वेश्चन में देखें, तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है, लेस देन है, तो खाली लेस देन या खाली ग्रेटर देन आए तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस बाउंड्री नंबर को ओपन कर देते हैं।